In this video, there is a brief information about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, राइटर, म्यूजिक कंपोजर और पेंटर भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के सिवा उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वो एक बांग्ला के साहित्यकार थे। उन्होंने भारत के लिए और बांग्ला के लिए राष्ट्रगान लिखा है। भारत के लिए जनगणमन और बांग्लादेश के लिए उन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार लेने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत प्रतिष्ठित सेंट स्कूल में की। फिर उन्हें बैरिस्टर बनने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के ब्रिजटन में पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन गए। लंदन से अपनी आधी पढ़ाई छोड़ के ही वापस आ गए। जब वो छोटे थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जबकि उनके पिता ज़्यादातर यात्रा करते थे। उसकी वजह से वो नौकर के हाथों से ही बड़े हुए। टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो चाहिए था दिया। उन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत में इंटरेस्ट था, तो उनके पिता ने उनके बच्चों के लिए घर में ही कुछ पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को रहने के लिए और शास्त्रीय संगीत को पढ़ाने के लिए बुलाया लिया। टैगोर के एक बड़े भाई जिनका नाम ब्रिजेंद्रनाथ टैगोर है, वो भी एक कवि थे, और एक छोटे भाई उनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर जो एक संगीतकार और एक नाटककार है, और एक बहन जिसका नाम श्रवण कुमारी था। टैगोर को ज़्यादातर पढ़ाई उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने करवाई और साथ ही उन्होंने जूडो कुश्ती भी सिखाई। टैगोर को ड्राइंग, बॉडी साइंस, भूगोल, हिस्ट्री, मैथ्स, संस्कृत और इंग्लिश में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। उन्होंने कालिदास के शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी पढ़ाई की है। फिर 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी के साथ उन्होंने शादी की। मृणालिनी देवी से उन्हें 5 बच्चे हुए। टैगोर ने अपने पूरे जीवन में हजारों गाने लिखे होंगे, कई निबंध लिखे, शॉर्ट स्टोरीज और कई नाटक लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर ज़्यादातर अपनी फेमस कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बंगाली भाषा में भी काफ़ी सारी कविताएं लिखी है। उन्होंने इतिहास और लैंग्वेज साइंस के बारे में काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी मिले हैं और टैगोर ने अल्बर्ट से की गई सारी बातें उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति पर नोट में लिखा है। 2230 गीत सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे। उनका ज़्यादातर परिचय उन्होंने अपने गानों में ही दे दिया है। जनगणमन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्ता में गाया गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, जिसे सिर्फ 52 सेकेंड्स में ही पूरा करना होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा, जो 10 लाइन्स का और 2.14 मिनट्स का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अंतिम दिनों में ड्राइंग्स बनाने का चालू किया था, जिसमें उन्होंने मोह, कलांति और निराशा वगैरह का महसूस होती ड्राइंग्स को बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों ही एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण भी दिया था। 7 अगस्त 1941 के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत कुछ खराब होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया और 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। तब वो सिर्फ 80 ईयर्स के थे। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिससे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया।